हेलो एवरीवन लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि थर्मल पावर प्लांट से किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन उसका एक पर्टिक एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज क्या था कि जो कोल यूज़ कर रहे हैं हम भाई उस पर्टिकुलर पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है हमें कोल को यूज़ करना पड़ रहा है या एक ऐसा फॉसिल फ्यूल हम यूज़ करें जिसकी वजह से हम हीट एनर्जी को जनरेट कर सके लेकिन फॉसिल फ्यूल का एक मेजर डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो फॉसिल फ्यूल है ये लिमिटेड क्वांटिटी में है अगर हम इनको कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहे हैं टर्न्स में इनको हम यूज़ कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी हमें ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे इनको अगर हम इतना उनको यूज़ कर रहे हैं तो एक सर्टेन लिमिट टाइम लिमिटेड टाइम के बाद में क्या होगा ये ख़त्म हो जाएंगे अब जब आपके कोल या पेट्रोलियम या कोई भी फॉसिल फ्यूल अगर ख़त्म हो चुका है मेनली तो हम कोल की बात करते हैं कि अगर वो फॉसिल फ्यूल आपका खत्म हो चुका है तब आप क्या करेंगे फिर अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे तो हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज तो होने चाहिए ना कि सिर्फ एक सोर्स पे हम डिपेंड नहीं रह सकते तो इसी के लिए हम क्या हमने क्या नहीं छोड़ा हमने पानी को भी नहीं छोड़ा अभी और हम क्या कर रहे हैं पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे हैं तो उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है ये आज हमें डिस्कस करना है कि हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं इज इट ईजी बिल्कुल नहीं ईजी तो नहीं होने वाला है लेकिन हाँ बंद तो ज़रूर सकती है तो अब ये कैसे बनेगी इसका भी क्या एडवांटेज है और क्या इसके डिसएडवांटेज है ये सारी चीज़ें आज हमें डिटेल में पढ़नी है सो आई लव कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट्स कोर शाला अब सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम बना रहे हैं भाई वाटर से अगर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी इसका मतलब उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज जहां पर भी जहां पर भी नाम आता है हाइड्रो जहां पर भी आपको नाम दिख जाए हाइड्रो हाइड्रो का मतलब यही होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं वॉटर की बात कर रहे हैं अब अगर हम बात करें हाइड्रो पावर प्लांट की तो हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब क्या होगा जिसके अंदर हम पानी से क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं भाई हमने पढ़ा था थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या था एक ऐसा प्लांट जहां पर क्या बन रहा है पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी बन रही है अब इलेक्ट्रिसिटी अगर बन रही है तो वो किससे बन रही थी थर्मल मतलब की हीट से बन रही थी वैसे ही आपको एक और नाम याद रखना है वाटर वाटर कैसे क्या होता है हाइड्रो हाइड्रो का मतलब क्या हो जाएगा वाटर इसका मतलब एक ऐसा प्लांट एक ऐसा प्लेस एक ऐसा पूरा सेटअप या ऐसी मशीनरी जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में अब आपको क्या चाहिए अब आपको चाहिए वाटर क्योंकि जो हमने थर्मल पावर प्लांट यूज़ किया था उसके अंदर क्या था कोल बहुत ज्यादा यूज आ रहा था पानी तो इतना यूज नहीं आ रहा था ठीक है आ रहा था लेकिन वो सर्कुलेट भी हो रहा था तो इतना वो मेजर उसका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था लेकिन अब हमने क्या किया है कोल तो ख़त्म होने वाला है इसलिए हमने क्या किया कोल को हटा के सिर्फ एक पानी से ही हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं एक ऐसा सेटअप प्लान कर दिया तो उस सेटअप को हम क्या कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं जिसकी वजह से पानी की वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने वाले हो और एक पूरी की पूरी ये बहुत बड़ी मशीनरी होती है ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा सेटअप है ये बहुत बड़ा सेटअप होता है और इस सेटअप को लगाने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट आ जाती है चलिए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम किसको कहेंगे जब हम हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे मतलब पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसको हम कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अब बनानी कैसे है ये क्या होता है तो देखो सबसे पहले तो ये यूज कहाँ किया जाता है कैसे किया जाएगा तो देखो आपने डैम के बारे में तो सुना ही होगा अब डैम क्यों बनाए जाते हैं हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी डैम की तो डैम क्यों बनाए जाते हैं भाई तो डैम बनाए जाते हैं आपकी वाटर के स्टोरेज के लिए जिस भी नदी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है या रिवर जैसी बारिश होती है उस टाइम पे उसका अगर वाटर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो बेसिकली हमें कहा जाता है कि हम डैम क्यों बना रहे हैं ताकि आपके यहाँ पर बाढ़ ना आए फ्लड ना आए फ्लड नहीं आएगी तो आप जो है अपने गाँव ईजिली बसा पाएंगे इसके लिए लोग जो क्या करते हैं डैम बनाते हैं ठीक है और एक हम डैम बनाने का रीज़न क्या होता है कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है जो कि है वाटर उसको सेव करना है उसको कंजर्व करना है अब सपोज़ बारिश बहुत ज़्यादा आ गई तो क्या होगा बारिश ज़्यादा आएगी तो नदी का वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा उसकी वजह से क्या होगा बाढ़ आ जाएगी और उस बाढ़ के अंदर लोगों का तो नुकसान होगा ही होगा लोगों के घर भी चले जाते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अब इतना नुकसान होने के बाद में भी क्या हुआ पानी का भी नुकसान हो गया बारिश का इतना पानी आया तो था लेकिन उसका भी नुकसान हो गया क्यों हो गया वो सारा पानी कहाँ चला गया शहरों में गाँवों में जो आसपास के एरियाज थे वहाँ चला गया और उसके बाद वो नदी नालों में चला गया अब नालों में गया पानी क्या हमारे यूज़ का है बिल्कुल नहीं है भाई इतना बारिश का पानी भी हमने वेस्ट कर दिया क्या मतलब रहा तो हमने क्या किया उस हमारे वाटर के रिसोर्सेज को मतलब हमारा नेचुरल रिसोर्स है जिसको हमें ख़त्म नहीं करना है तो इसलिए हमने क्या किया उसको कंजर्व करने के लिए उसको सेव करने के लिए हमने क्या बनाया डैम बनाया जिसकी वजह से हमने क्या किया पानी को सेव कर दिया अब हमारा एक और बेनिफिट हो गया इस डैम से क्या बेनिफिट हुआ इस डैम की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं वाटर से कैसे तो भाई डैम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट में होते हैं अब वो इतनी ज़्यादा हाइट में होते हैं कि जब पानी को गिराया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आएगा और उसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं जिसको कि हम क्या कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे ठीक so, है चलिए सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट आर यूज वेयर वाटर इज एट अट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट कहाँ यूज किए जाते हैं जहां पर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा हाइट में होने वाला है ठीक है और उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो डैम है ना वो हम कैसे बनाएंगे कहाँ बनाएंगे और उससे होगा क्या तो देखो एक रिवर के अंदर जब जहां भी जो एक रिवर होती है वहां जब हमें डैम बनाना होता है तो हम क्या करते हैं उस डैम का डैम को बनाने के लिए रिवर के जो पानी है उसको खत्म करना होता है तो हमने क्या किया कि भाई जो रिवर होगी जो भी रिवर होगी और अगर मुझे सपोज इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर यहाँ पे अगर मुझे डैम बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ से सारा पानी जो है हटाना है क्योंकि डैम हमेशा कहाँ बनता है उसके बॉटम से बनना शुरू होता है तो बॉटम से अगर कोई चीज बनेगी तो पानी के अंदर जाके तो हम बना नहीं सकते तो हमने क्या किया डैम को बनाया अब डैम को बनाने के लिए जस्ट सिंपल सी चीज़ है पानी की जस्ट एक स्ट्रीम को चेंज कर दिया यहाँ से पानी जो है इस तरफ आ जाएगा और उसके बाद वो चला जाएगा वहां तक यहाँ से पानी आ रहा था फ्लो यहाँ पर था इस बार फ्लो क्या हो गया यहाँ घूम के थोड़ा सा यहाँ तक आ गया अब इसके बाद यहाँ से आगे चला गया कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें तो सिंपल सी चीज़ है उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया डैम बना दिया अब ये जो डैम बना है आपका इसको हाइट में बनाया जाता है हाइट में क्यों ताकि जितना भी पानी आएगा वो सारा का सारा वहीं पे कंजर्व हो जाएगा और वो गाँव के अंदर जाके गाँव का नुकसान नहीं पहुंचाएगा ठीक है ये तो बैठ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर तो क्योंकि पानी जो था ज़्यादा हमने डैम जो बनाया वो हाइट पे बनाया और इसके अंदर पानी जो था वो कंजर्व हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं अब क्या हुआ यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या आई हमें डैम बनाने में मेन प्रॉब्लम ये आई कि जो ये आसपास के लोग थे वही डैम जो है ना बहुत छोटी चीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा बड़े एरिया के अंदर बनता है तो वही इतने बड़े एरिया बनाने के लिए हमने क्या किया वहाँ के जो लोग थे रहने वाले उनको हटा दिया वहाँ से उनको हटा दिया तो क्या हुआ उनको नुकसान हो गया उनके लिए उनको अगर अपनी जगह छोड़ के जाना भी पड़ा सपोज यहाँ पर जितने भी लिविंग पीपल थे ठीक है यहाँ जो लोकल पीपल थे इसके अब लोकल पीपल कौन सी किसकी बात कर रहे हैं हम ये लोकल पीपल वो लोग हैं जो इस नदी के आसपास में रह रहे थे जब हमने डैम बनाया तो यहाँ उस एरिया के पर्टिकुलर एरिया के जो लोकल पीपल थे उनको क्या नुकसान हुआ ये लोकल पीपल को क्या करना पड़ेगा अपना घर जो है छोड़ना पड़ेगा अपना होम जो है ना वो छोड़ना पड़ेगा ठीक है होम छोड़ के इनको कहाँ जाना पड़ेगा कहीं और रहने के लिए जाना पड़ेगा जिसका कि इनको कंपेंसेशन भी इतना नहीं मिलता है या तो इनको मिलता ही नहीं है या मिलता है तो वो बहुत ही कम होता है बिकॉज गवर्नमेंट से मिलता है ठीक है अब ये जो डैम है ये किसके अंडर में होते हैं गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं ठीक है भाई इतनी चीज तो हमारी क्लियर है ये डैम इतनी ऊंचाई पर बनाए जाते हैं कि बहुत ज्यादा पानी जो है हम उसके अंदर कंजर्व कर सकते हैं ठीक है बहुत ज्यादा पानी को हम उसके अंदर कंजर्व कर सकते हैं तो अभी हमने क्या कहा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बनाने के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा हमें पानी को बहुत ज्यादा हाइट पे ले जाना पड़ेगा तो हमारे लिए डैम एक बेटर ऑप्शन नहीं है <coughs> बिल्कुल है डैम इतना अच्छा ऑप्शन है डैम ऑलरेडी कहाँ कहा पर होता है थोड़ा हाइट पे बनता है पानी बहुत ज्यादा हाइट पे कंजर्व हो जाता है ठीक है अब वहां पर इतना हाइट पे अगर पानी कंजर्व है तो हमें इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए भी तो यही चाहिए था तो हमारा तो काम हो गया अब डैम को ही हमने क्यों चुना बिकॉज डैम के अंदर जो पानी होता है उसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी तो भाई जो मोशन में होता है जब भी कोई चीज जो होती है अगर मोशन में होती है इसका मतलब क्या होता है उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी सिंपल सी चीज है ये तो काइनेटिक एनर्जी होती है लेकिन जब हम बात करते हैं रेस्ट कंडीशन की कोई भी चीज जब रेस्ट कंडीशन के अंदर है उस टाइम पे उसके अंदर एनर्जी कौन सी होती है उस टाइम पे उसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी हमें कितनी चाहिए हमें ज़्यादा चाहिए क्यों ज़्यादा चाहिए भाई हम क्या कर रहे हैं हमें इलेक्ट्रिसिटी को बनाना है ठीक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है तो क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डायरेक्ट बना सकते हैं बिल्कुल नहीं हमने क्या पढ़ा है हम सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं हम उसको बना नहीं सकते ना हम उसको ख़त्म कर सकते हम जस्ट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं अब हमें क्या करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो हमें किसी पर्टिकुलर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो हमने क्या किया पोटेंशियल एनर्जी को भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर सिर्फ इतना ही होगा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है उसको हम कन्वर्ट करेंगे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अब पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है और मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए भाई तरह अगर मैं डैम वगैरह बनाती हूँ इतना खर्चा करती हूँ तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि मुझे मेरे पूरे शहर के अंदर सप्लाई करनी है उसको तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी भी आपको ज्यादा चाहिए होगी सिंपल सी चीज़ है ना ये तो भाई एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो अगर सपोज मैं बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट में है तो उतनी ही तो एनर्जी मेरी बनेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उससे ज़्यादा थोड़ी ना बन सकती है बिल्कुल नहीं बन सकती हो सकता है उससे थोड़ा कम ही बने लेकिन ज्यादा तो नहीं बनने वाली है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी मेरे पास क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए और जब आप हाइट पे जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है क्यों होती है बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एम जी एच एम जी एच ये मसाले वाला एम जी एच नहीं है ठीक है एम जी एच क्या है एम का मतलब होता है मास जी का मतलब होता है हमारी ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन gravitation या ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कह सकते हो थर्ड होता है हमारा एच एच का मतलब क्या हो जाता है हाइट ठीक है एच का मतलब क्या हो गया हाइट अब जितनी ज्यादा हाइट होगी क्या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी बिल्कुल होगी बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली proportional टू हाइट हाइट जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी होगी हमें क्या चाहिए पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनानी है तो हमने क्या किया ऑलरेडी हमारे डैम जो होते हैं बहुत हाइट पे बनते हैं जितनी ज़्यादा हाइट पे जाओगे उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी डैम के ऊपर जो पानी होता है वो फ्लोइंग वाटर तो नहीं होता है वो बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में रहता है रेस्ट कंडीशन में होता है बेचारा सो रहा होता है आराम से ठीक है तो उस टाइम पे ऑलरेडी हाइट बहुत ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी भी वहां पर है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ज़्यादा जब हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिलेगी ऑब्वियसली अब हमें मिल जाएगी अब यहाँ पर करना क्या है देखो चलो हम इसको हटा देते हैं इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वॉटर एट हाइट ऑफ कन्वर्टेड इंटू मैकेनिकल एनर्जी बाय रोटेटिंग द टर्स अगेन देखो अब क्या वर्ड आ गया हमारे पास में टर्बाइन वर्ड आ गया ये टर्बाइन वर्ड बार बार क्यों आ जाता है तो एज आई टोल्ड यू जब हमने लास्ट हमने पढ़ा था थर्मल पावर प्लांट के अंदर देखो हमने क्या पढ़ा था थर्मल पावर प्लांट में कि हमारे पास था कोल कोल को हमने क्या किया बर्न किया तो हमें क्या मिली हीट एनर्जी मिली हीट एनर्जी को हमने किसको दिया हमने उस हीट एनर्जी को दिया बॉयलर के अंदर जो वाटर था उसको दिया बॉइलर के अंदर एक वाटर प्रेजेंट था कुछ अमाउंट ऑफ वाटर था बहुत बड़ा अमाउंट था वो वाटर को दिया तो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया इट स्टीम्स में कन्वर्ट हो गया ये ठीक है स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद वो जो स्टीम थी उसको हमने कहाँ फेंक दिया उसको हमने जाके फेंक दिया टर्बाइन के ऊपर और टर्बाइन जो था उसके पास में क्या लगा था एक इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा था उसके पास में ठीक है इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा था उसके पास तो टर्बाइन जो है वो आर्मेचर की तरह का, काम कर रहा था टर्बाइन इस इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए किसकी तरह काम कर रहा था आर्मीचर की तरह काम कर रहा था, था? इसीलिए क्या हो गया इलेक्ट्रिक जनरेटर जनरेटर ने क्या किया इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर दिया और वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे घरों में सप्लाई हो गई ठीक है ये तो सिंपल था आई होप कि आपको अब याद आ गया होगा वापस से क्या था ये अब हमने क्या कहा था सारी चीज़ें जो बिल्कुल सिमिलर है यहाँ हमने देखो क्या किया स्टीम लिया बिकॉज हम थर्मल की बात कर रहे थे अभी हम किसकी बात कर रहे हैं वाटर की तो अब हम स्टीम की जगह टरबाइन को घुमाने के लिए किसका यूज़ करेंगे वाटर का यूज़ करेंगे ठीक है देखो यहाँ से ये फिर सेपरेट हो जाएगा यहाँ से जो है फिर ये सेपरेट हो गया यहाँ तक ये हटा दो इसको इसको पूरे को हम क्या कर देते हैं इस पूरे को हम कर देते हैं रिमूव इस पूरे को हम रिमूव कर देते हैं बिकॉज अब हमें क्या चाहिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट चाहिए हमें थर्मल पावर प्लांट अब नहीं चाहिए ठीक है तो कोई बात नहीं मैं इसको हटा देती हूँ चलो अगर मुझे अगर मुझे चाहिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तो अब मुझे क्या करना है टर्बाइन को घुमाने के लिए मुझे किसका यूज़ करना है भाई हाथों से घूमेगा नहीं मशीनों से और किसी से घुमा नहीं सकते तो टर्बाइन को घुमाने के लिए अब मुझे यूज़ करना है वाटर का बिकॉज मुझे किससे एनर्जी बनानी है वॉटर से बनानी है ठीक है तो अब मैं क्या करूंगी वाटर जो है वो आना चाहिए मेरे टर्बाइन पे वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में मेरे टरबाइन पे आना चाहिए और जब ये टरबाइन पे आ जाएगा तो क्या होगा फिर ये रोटेट करेगा टरबाइन मेरा और टरबाइन के रोटेशन की वजह से क्या हो जाएगा ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देगा और इलेक्ट्रिसिटी को हमारे घरों में सप्लाई कर दिया जाएगा ठीक है आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी ठीक है थियोटिकल अगर चीज़ क्लियर है तो देखो एक बार फिर आ जाओ इस पर यह क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होगा जो पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की क्यों है पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज जो वाटर है वो डैम के ऊपर हाइट पे है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है ठीक है वो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा पहले मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद Uh, किस किसकी वजह से हुआ ये ये टर्बाइन के रोटेशन की वजह से हुआ और ये जो मैकेनिकल एनर्जी होगी मैकेनिकल एनर्जी कौन सी भाई पोटेंशियल एनर्जी भी तो मैकेनिकल एनर्जी है ना मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होते हैं एक होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी और सेकेंड होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी ठीक है तो जब पोटेंशियल एनर्जी में था वाटर तो उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा पोटेंशियल में था पहले ये काइनेटिक में कन्वर्ट होगा और काइनेटिक के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नाउ टू पुट द वॉटर एट अ हाइट वी यूज डैम्स ऑब्वियसली हाइट पर ले जाने के लिए हम डैम का यूज करेंगे डैम्स आर फॉर्म्ड इन रिवर्स टू स्टॉप देयर फ्लो एंड कीप इट एट अ हाइट डैम्स क्यों यूज किए जाते हैं क्यों बनाए जाते हैं रिवर के ऊपर ताकि उसके पानी को हम स्टॉप कर सके उसका फ्लो को कम कर सके उसके और उसके अलावा हम इसको कहाँ रख सके हाइट पे रख सके ठीक है अब देखो फिर से हम हमारे आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर है डैम डैम के ऊपर क्या किया गया और डैम से पानी नीचे गिराया जाएगा टर्बाइन घूमेगा और उसके बाद हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी जिसको कि हम अभी पिक्चर से समझते हैं ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है ठीक है ये पूरा का पूरा हमारा क्या है पावर प्लांट है अब इस पावर प्लांट के अंदर देखो होगा क्या अभी तक हमने थियोरटिकल देखा है अभी हम देख लेते हैं एकदम तो प्रैक्टिकली कि पिक्चर से क्या होगा किस तरह से ये सब फॉर्मेशन होता है तो देखो हुआ क्या आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि जब हमारा पानी जो है वो डैम के ऊपर है तब उस टाइम पे वो कौन सी कंडीशन में है कौन सी एनर्जी है उसके अंदर तो उसके अंदर अभी एनर्जी कौन सी है पोटेंशियल एनर्जी है सिंपल है ये तो ठीक है यह मित्री देर से अभी यही पढ़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कैसी है ज़्यादा है क्यों है बिकॉज ये हाइट पर है और क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है एम ये हाइट पर जितनी हाइट पर होगी उतना ही ज़्यादा इसके अंदर क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी ठीक है अब क्या हुआ हमने डैम के जो गेट थे वो खोल दिए डैम का गेट हमने खोला तो डैम का जो पानी है वो कहाँ जाएगा नीचे की तरफ जाएगा यहाँ पानी कौन सी कंडीशन में है पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर ठीक है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है यहां से मेरा पानी जो है नीचे फ्लो हो रहा है क्योंकि मैंने गेट ओपन कर दिया अब क्या होगा इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई है काइनेटिक एनर्जी आ गई है तो देखो हमारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है ये काइनेटिक एनर्जी हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी जो हम कह रहे थे वही है यहाँ हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी पानी नीचे आया तो कौन सी एनर्जी हो गई काइनेटिक एनर्जी हो गई अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है जैसे ये नीचे जाएगी तो नीचे जाते ही कहाँ चली जाएगी ये गिरेगा सीधा पानी जो है कहाँ जाएगा टर्बाइन के ऊपर गिरेगा ये सारा पानी जितना हाइट से आएगा उतना ज़्यादा प्रेशर से आएगा और ये कहाँ गिरेगा टर्बाइन पे गिरेगा और टर्बाइन क्या होगा रोटेट करने लग जाएगा टर्बाइन जो है वो हमारा क्या करेगा रोटेट करेगा टर्बाइन के रोटेशन की वजह से अब ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और कैसे हो जाएगी देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टर्बाइन घुमा टर्बाइन के रोटेशन की वजह से क्या होगा हमने लगा रखा है इलेक्ट्रिक जनरेटर टर्बाइन के रोटेशन की वजह से हमने क्या लगा रखा है इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा रखा है और उस जनरेटर की वजह से क्या हो रहा है वो जो टर्बाइन का रोटेशन है वो एक आर्मेचर की तरह बिहेव कर रहा है कि आर्मेचर रोटेट हुआ तो क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगी और उसकी वजह से क्या बन जाएगी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी और वही इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू हमारे घर के अंदर जो ट्रांसमिशन लाइन्स होती है उसके थ्रू हमारे घरों में सप्लाई कर दी जाएगी ठीक है आई होप की इतनी चीज़ क्लियर है देखो हमने अभी यही पढ़ा ना हमने सबसे उससे पहले क्या पढ़ा हमने यही तो पढ़ा हमने कि वाटर था वाटर को हमने टरबाइन पे गिराया टरबाइन क्या हुआ रोटेट हुआ उसके आगे लगा था एक इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसकी वजह से क्या हुआ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जन्रेट हुई और इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट होने की वजह से ही हमने उसको क्या कर दिया दूसरों के घरों सबके घरों में वहां पर सप्लाई कर दिया देखो है तो बहुत सिंपल सी चीज़ लेकिन हम क्या करते हैं उस पिक्चर को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ठीक है तो पिक्चर को देख के डरना नहीं है देखो हमारा वाटर कहाँ से आया वाटर आया हमारा डैम से ठीक है वाटर कहाँ से आया हमारा डैम से आया वाटर वाटर को हमने किस पे गिराया टरबाइन पे गिराया तो यहाँ देख लो फिर से एक बार कि वहां डैम पे था हमारा वाटर कौन सी एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी थी जैसे ही इसको हमने फ्लो करवाया पानी को गेट ओपन करते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया सारा पानी किस पे जाएगा टर्बाइन पे जाएगा टर्बाइन जो है वो कंटिन्यूस रोटेट करेगा बहुत तेज़ी से घूमेगा जितना फास्ट ये घूमेगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाली है ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा और घूमने के बाद क्या हुआ ये जो जनरेटर यहाँ पर लगा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगी और उस करंट को और इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमारे घरों तक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू सप्लाई कर दिया जाएगा आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर है ठीक है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ पोटेंशियल एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है ठीक है आई होप कि आपको ये थर्मल पावर प्लांट समझ में आ गया है कि एग्जैक्टली exactly ये किस तरह से काम कर रहा है चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब हम आ जाते हैं किस पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे भाई हमने इसको पढ़ तो लिया ही है और जब इसको पढ़ लिया है तो हमें पता होना चाहिए ना कि इसका एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है तो देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज में सबसे पहली चीज क्या आती है एक बार डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं तो डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे इसके डिसएडवांटेज में देखो सबसे पहले हमने क्या किया है डैम बनाए हैं ठीक है हमने क्या बनाए थे डैम बनाए थे तो डैम के लिए क्या चाहिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए ऑब्वियस ओबियसली बात है ना डैम के लिए हमें क्या चाहिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए और इतना ज़्यादा स्पेस चाहिए कि वहां से हमें क्या करना पड़ेगा लोगों को हटाना पड़ेगा और लोग हटेंगे तो क्या प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल है क्योंकि लोगों का घर चला गया जहां वो रह रहे थे वो जगह उनके पास से चली गई अब उनको क्या करना पड़ेगा अपने लिए दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां उनको रहना है कंपेंसेशन उनको गवर्नमेंट से उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए तो प्रॉब्लम ही है उसके अलावा क्या हुआ उसके अलावा हुआ एक्वाटिक लाइफ पे इफेक्ट एक्वाटिक लाइफ पे क्यों इफेक्ट हुआ बिकॉज जो डैम बनाने के लिए हमने क्या किया था वाटर का पाथ चेंज कर दिया था पाथ चेंज किया तो क्या हुआ एक्वाटिक लाइफ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा बहुत सारे ऐसे जानवर होंगे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे जो डैम बनाते टाइम पे मर जाएंगे तो उस पर भी इफेक्ट पड़ा नेक्स्ट थिंग कि जब ये मर जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे जमीन के अंदर ही होंगे जमीन के अंदर दब जाएंगे ज़मीन के अंदर दबेंगे तो वहां पर क्या होगा उनका डिकम्पोजिशन होगा और अनारोबिक रेस्पिरेशन होगा डिकम्पोजर्स क्या करेंगे अनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे जिसकी वजह से वहां पर क्या हुआ उनका डिकम्पोजिशन हुआ और उस डिकम्पोजिशन की वजह से, से क्या हो गया उसकी वजह से ये जो ओ, एक्वाटिक लाइफ थी मरने के बाद उनका डिकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन की वजह से क्या बनेगी मिथैन गैस बनेगी और वो मिथैन गैस क्या होती है हमारे लिए हार्मफुल होती है तो ये मिथैन गैस कहाँ जाएगी एनवायरमेंट के अंदर एनवायरमेंट के अंदर जाके हमें हार्म करेगी आई होप कि इतनी चीज़ क्लियर है नाउ होती नेक्स्ट थिंग इसकी डैम जो है उसको बनाने में ही कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है तो हम मेंटेनेंस की तो फिर बात ही ना करें वैसे मेंटेनेंस उसका कम होता है लिखिए लेकिन इसको बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है जो इनिशियल कॉस्ट होती है इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एक बार इसको बना दिया जाए उसके बाद तो बहुत ईजी है क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है लेकिन इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है क्यों होती है बहुत ज़्यादा बिकॉज डैम बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ऐसा नहीं है कि साल दो साल में बन जाएगा बहुत सालों लग जाते हैं उसके अंदर बनाने में उसको तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ना कि उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा ही होगी सालों लगते हैं तो जो लोग आ रहे हैं उसको बनाने के लिए क्या उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं देना पड़ता बिल्कुल देना पड़ता है लोग ऑलरेडी वहां से जो डिस्प्लेस हुए हैं उनकी भी सुननी पड़ती है तो उनकी कॉस्टिंग तो बहुत ज़्यादा हो जाती है बनाने के टाइम पे और इतनी हाइट पे बन रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा उसके अंदर ठीक है और बनाना कैसे होता है बिल्कुल तरीके से अगर आपने थोड़ा भी उसके अंदर गड़बड़ की है तो क्या होगा हो सकता है कि वो जो डैम है थोड़े टाइम में ही वहां से टूट के गिर जाए और जितना टूट के गिरेगा आसपास के जितने भी लोग रह रहे होंगे उनको भी नुकसान होगा इसलिए इसको बनाने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है चलिए अब इसके देखो डिसएडवांटेज में अब क्या क्या हो गया डैम्स कैन ओनली बी कंस्ट्रक्टेड इन स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेसेज लाइक हिल हिटेरेंस हर एक जगह डैम बन नहीं सकता हिल जो जगह होती है वही बनेगा क्योंकि पानी को क्या चाहिए ऊपर चाहिए हाइट पे चाहिए पानी तो जितना माउंटेनियस वाला पार्ट होगा वहां पे बनेगा और वहां के लोगों को फिर डिस्प्लेस कर दिया जाएगा लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन लैंड इज सबमर्ज अंडर वाटर बहुत बड़ा ऐसा लैंड होता है जो ह्यूमन लैंड भी है प्लस वो एग्रीकल्चर लैंड भी है वो वहाँ पे क्या हो जाता है अंदर चला जाता है जमीन के अंदर क्यों जमीन के अंदर क्यों जाएगा भाई वहां पर क्या है पानी तो है पानी के लिए भले हमने स्पेस को उसका पाथ चेंज कर दिया लेकिन क्या होगा जितना बड़ा हम एरिया ले रहे हैं उतने बड़े एरिया में क्या लोग रह रहे थे तो क्या वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी वहां पर बिल्कुल हो रही थी तो ऐसा लैंड जिसके ऊपर हम फसल लगा सकते थे क्रॉप लगा सकते थे वो लैंड भी क्या हो गया उस डैम के नीचे दब गया ठीक है तो वो भी हमारा क्या हो गया नुकसान ही है हमारा डिसएडवांटेज है द वेजिटेशन विच इज़ सबर्स्ड अंडर वाटर रोड्स इन अन एरोबिक कंडीशन विच लीड्स टू जनरेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ मिथैन जितना ज़्यादा वेजिटेशन जो होगा वो जमीन के अंदर जाएगा जितना ज़्यादा एक्वाटिक लाइफ जमीन के अंदर दबेगी या उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्रॉप वगैरह लगी है तो वो जितना ज़्यादा वेजिटेशन उस जमीन के अंदर धंस जाएगा दब जाएगा वो क्या करेगा अन एरोबिक रेस्टिशन होगा वहाँ पर बिकॉज ऑफ डिकम्पोजर्स डिकम्पोजिशन के टाइम पर क्या बनेगी मिथैन गैस बनेगी और मिथैन गैस जो होती है वो क्या है हमारे लिए ग्रीन हाउस गैस है तो ग्रीन हाउस गैस है तो ऑब्वियसली बात है हमारे लिए वो सही तो नहीं है वो हमारे लिए नुकसानदायक ही है ना देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हु इज हु आर लिविंग इन द एरिया नियर द डैम एज आई टोल्ड यू कि उनकी प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होती है वो अच्छे से डिस्प्लेस नहीं हो पाते हैं उनको कंपनसेशन इतना नहीं मिल पाता है और अपनी लिविंग को एक जहाँ आप रह रहे थे वहाँ से निकल के जीरो से फिर कहीं और शुरू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम द फिश इन द एरिया डाउनस्ट्रीम ऑफ डैम डू नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ फिश डिक्रीज डैम की वजह से क्या होता है कि जो फिश है उस पर्टिकुलर एरिया में जो डाउनस्ट्रीम बनाई गई थी नहीं उसके अंदर क्या होगा न्यूट्रिएंट्स कम होंगे इसकी वजह से भी जो एक्वाटिक लाइफ है वो धीरे धीरे खत्म होने वाली होगी और एक और पॉइंट आपको क्या याद रखना है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इनिशियल कॉस्ट इज हाई इनिशियल कॉस्ट इज हाई इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसीलिए इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है चलिए ठीक है ये तो हुए इसके डिसएडवांटेज लेकिन डिसएडवांटेज के साथ साथ में कुछ एडवांटेज भी तो होंगे अगर एडवांटेज नहीं होंगे तो हमने इसको बनाया ही क्यों है एडवांटेज में सबसे पहला ये आता है कि भाई हम थर्मल पावर प्लांट में हम कोल का यूज़ कर रहे थे फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे थे जिसकी वजह से स्मोक हो रहा था और एनवायरमेंट को इफेक्ट पड़ रहा था हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा था लेकिन यहाँ पर क्या होगा इसके अंदर तो हमने किसी को नहीं जलाया कुछ भी नहीं किया तो हमारा एयर पोल्यूशन नहीं हुआ दैट मीन्स कि ये क्या है ये है पोल्यूशन फ्री ये क्या है एनी पोल्यूशन कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा इसका मतलब ये जो मेथड है ये जो आपका पावर प्लांट है ये कैसा है ये है पॉल्यूशन फ्री ये कहीं पॉल्यूशन जो है वो नहीं फैलाएगा इसका मतलब है ये किसी को भी हार्म नहीं करेगा एटलीस्ट एयर को तो नहीं करेगा ठीक है एक्वाटिक लाइफ को करेगा लेकिन एटलीस्ट पोल्यूशन तो ये बिल्कुल भी नहीं फैलाने वाला है सेकेंड थिंग इससे क्या मिलता है लोगों को मिलता है एम्प्लॉयमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है कैसे मिलता है तो भाई इस डैम को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डैम को बनाने में सालों लग जाते हैं तो उन सालों में कितने सारे लोग उस पर्टिकुलर डैम के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उन सबको क्या मिला एम्प्लॉयमेंट मिला उन सबको टाइम टू तो टाइम विजेस मिलते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती भाई तो ऐसे भी तो लोग होते हैं मजदूर होते हैं जो तो सुबह निकलते हैं काम के लिए लेकिन अगर उनको काम मिले या नहीं मिले ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर रीजन पर अगर उन जिस दिन उनको काम मिला उस दिन उनके घर में चूल्हा जलेगा लेकिन जिस दिन उनको काम नहीं मिला उस दिन उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा लेकिन जब हम बात करते हैं डैम की तो डैम बनाने में बहुत टाइम लग रहा है तो बहुत सालों तक उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता रहता है तो उनको उस चीज़ की टेंशन नहीं होती और वो बहुत अच्छे से अपने लिवलीहुड लिव, को जी रहे होते हैं चलिए सो द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है एक और चीज़ क्या हो सकती है कि भाई कोल तो खत्म होने वाला है एक टाइम के बाद में लेकिन वाटर खत्म नहीं होगा क्यों नहीं होगा अगर आप पेड़ लगाते रहेंगे तो रेनफॉल होता रहेगा और हर साल सपोज आपने पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया फिर क्या होगा पानी ख़त्म हो जाएगा क्या बिल्कुल नहीं नेक्स्ट ईयर जब फिर रेनफॉल होगा जब बारिश होगी उस टाइम पे वो डैम फिर से भर जाएगा तो वो रिप्लानिश हो रहा है कंटिन्यूसली वो रिप्लानिश हो रहा है वो रिफिल हो रहा है तो एटलीस्ट हमें पानी के ख़त्म होने की टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है चलिए सो सिंस वाटर इन द डैम्स विल गेट फील बाय इट सेल्फ ड्यू टू रेन इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ये कौन सा सोर्स हुआ रिन्यूएबल सोर्स हुआ इसका मतलब है ये फिर से बनता रहेगा लेकिन अगर आप पेड़ लगाएंगे तो अगर आप पेड़ नहीं लगाएंगे ना तो बारिश को कौन बुलाएगा कोई नहीं बुलाएगा तो धीरे धीरे बारिश भी कम हो जाएगी चलिए द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एंड प्रोवाइडिंग इरीगेशन अब कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम जो होता है सबसे पहले ही हमने बताया था कि वो फ्लड को कंट्रोल करने का काम करता है बाढ़ को कंट्रोल क्यों करता है भाई बारिश का पानी अगर ज़्यादा आ रहा है तो वो सारा डैम में कलेक्ट हो जाएगा और वो आसपास के एरियाज़ में नहीं जाएगा तो बाढ़ नहीं आएगी और लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होगी और इसी डैम से लोगों को जो लोगों की जो क्रॉप होती है आसपास के फार्मर्स की जो क्रॉप होती है उसके इरीगेशन में भी हेल्प मिल जाती है क्योंकि उनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है और डैम के अंदर बहुत सारा पानी है इरीगेशन बहुत ईजीली हो जाता है ठीक है तो ये तो हुए कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज एंड आई होप कि अब आपको ये क्लियर है कि हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है कैसे काम करता है इसके एडवांटेज क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं तो डिसएडवांटेज से घबराना नहीं है देखो हर चीज़ जो है अगर हमारे कन्वीनियंट के लिए आ रही है अगर हमारे लिए कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है वो चीज़ तो डेफिनेट सी बात है वो अपना डिसएडवांटेज भी साथ में लेकर आएगी लेकिन हमें ये देखना है कि हम उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में तब तक के लिए थैंक यू सो मच